जय हिंद दोस्तों। हार्डवर्क और परसवरेंस, मेहनत और लगन का इस पूरी दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, राइट? और हमेशा आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता होता है इजी रास्ता और एक डिफिकल्ट रास्ता होता है। तो अक्सर देखा जाता है कि 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर 99% पीपल जो होते हैं वो हमेशा इजी रास्ते को प्रेफर करते हैं, जबकि मुश्किल रास्ता दिक्कतों से भरा होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको आपके मंजिल गोल तक पहुंचाता है, राइट? तो ऐसे ही एक स्टूडेंट से मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। एक गांव देहात से वो आए, ठीक है, एक सपना लेके आए कि इंस्पेक्टर बनना है, और उस सपने को उन्होंने पूरा किया। तो आज मैं आप लोगों को योगेश तिवारी, जो जो है एक्साइज इंस्पेक्टर है एट प्रेजेंट और इलाहाबाद में मेरे स्टूडेंट रहे, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा और वो आपसे आपकी जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो जर्नी रही, वो सब शेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, मेहनत की, और आज वो इस मुकाम पे है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, राइट? स्पेशली दिल्ली आए सर मुझसे मिलने के लिए, ठीक है, मिठाई लेके आए हैं, और ये जो मिठाई होगी आज आप लोग देखोगे, ठीक है, इससे शानदार मिठाई दुनिया में कोई नहीं हो सकती, राइट? आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो आप किसी भी स्वीट शॉप पे जाके मिठाई खा सकते हैं, लेकिन ये जो आज जो मिठाई सर खिलाने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप सिलेक्शन के बाद जो मिठाई खाओगे, ठीक है, उसकी मिठास जो है वो अलग ही रहती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, योगेश तिवारी एक्साइज इंस्पेक्टर है SSC CGL 2019 में, ठीक है। सर आपसे मिलेंगे और अपना एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी जो है आपसे शेयर करेंगे, और ये जो बातें रहेंगी उनकी वो बेशक आपको आपकी मंजिल में भी बहुत ही हेल्प करने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इनवाइट करता हूँ योगेश तिवारी एक्साइज इंस्पेक्टर, आइए सर। थैंक यू। बस मेरा बेटा, बस खुश रहे। हाँ, थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया, योगेश तिवारी जो है वो इलाहाबाद से मेरे स्टूडेंट रहे, मेरी खुद की एकेडमी वहां पे हम चलाते थे। इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, मैं आपको बता दूं कि वहां जैसे स्टूडेंट मेरी अपनी पूरी लाइफ में, बेशक इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो कुछ कोई स्टूडेंट जो इलाहाबाद से नहीं है या फिर आसपास से नहीं है, तो वो ये मत कहे कि जो है सर आप तो उनकी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। दिल से मैं बोल रहा हूँ, वहां के जो स्टूडेंट्स होते ना मेरे दोस्त, इतनी ज्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स मैंने कहीं नहीं देखे। मैंने दिल्ली में पढ़ा है, मैंने जयपुर में, इंदौर, पटना, ठीक है, पटना के भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बिहार से भी अच्छे होते हैं, ठीक है, दिल्ली में तो पढ़ा ही रहे हैं, राइट? मैं खुद हरियाणा से हूँ, लेकिन इतने प्यारे स्टूडेंट, इतनी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स जो है कहीं और मिलना मुश्किल है। मैं ये दिल से बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे सिलेक्शन बेशक वहां से, उस धरती से रहे हैं, प्रयागराज से, राइट? तो सर आपको बताना ये है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको भी मोटिवेशन मिले और जिस पोजीशन पे आज आप पहुंचे हो, बेशक बहुत मेहनत आपने की है, ठीक है, मैंने तो देखा ही है खुद, तो इनको भी कुछ ऐसे टिप्स बताओ कि जो है किस तरीके की आपकी जर्नी रही। जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो उनको पता होंगी, तो बेशक ये आपकी जो बातें हैं वो उन तक पहुंचे और उनकी बहुत मदद हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, राइट? तो ये लीजिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपसे मिलना हुआ, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरियल 19 के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जो ये मीटअप रखा था, इसके चलते आपसे मिलना हुआ, ये मेरे सौभाग्य की बात है। एक चीज और मैं बता दूं कि सर जो हैं कल नोएडा में ना, जितने भी SSC में सेलेक्टेड हुए हैं स्टूडेंट 2019 में, उनका सबका एक मीटअप था नोएडा में, सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे, सभी टीचर्स इकट्ठे हुए थे, तो सर वहां पे भी इनको इनवाइट किया गया था, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे ही स्टूडियो में जो है यहाँ पे सर जो है मिठाई लेके स्पेशली जो है वो आए हैं। हाँ सर, सुनील सर का मेरी सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ रहा है। इंग्लिश की सारी कोचिंग मैंने इन्हीं से ली है, हर तरीके से इन्होंने हर समय मदद किया हुआ है, और जहाँ तक रही आपको मेरे द्वारा गाइडेंस देने की बात, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सभी को ये गवर्नमेंट की जॉब बहुत ही चार्मिंग लगती है,
यूपीएससी कैडर की हो या एसएससी कैडर की या फिर कोई भी, तो आपके मन में भी बहुत इच्छा होती है कि हम भी तैयारी करें, ये करें, लेकिन दो चीज़ें होती है ना, एक हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। तो हार्डवर्क ये होता है कि आपने ना किसी एग्जाम का सिलेबस देखा, ना उसके बारे में कुछ जाना, आपको लगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया तैयारी करनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखो, आप देखो कि आप उसमें से कितना जानते हो, आप उसमें कितना आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ये सही रास्ता होगा आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने। और जहाँ तक बात रही थी सीजीएल की, तो इसका मेन पोर्शन जो होता है मैथ्स और इंग्लिश भी होता है, जिसमें से इंग्लिश का वेटेज 250 मार्क्स का होता है, फ्री में 50 और मेन्स में 200 का। तो काफ़ी जरूरी था ये भी पढ़ना, और मैंने सर से पढ़ा था। मेन्स में मेरे रॉ मार्क्स 200 में से 191.25 थे, और ये जो बढ़ के नॉर्मलाइज होकर 193.25 थे, और ये सर की ही देन है जो मैं इतना स्कोर कर रहा। सर आप थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ ये भी शेयर करें कि जैसे आपने तैयारी की राइट, और 6 महीने तो आप मेरे साथ ही रहे थे, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहते थे, जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश से रिलेटेड, या वैसे भी मिलना रहता था, ठीक है। तो आप स्टूडेंट को ये बताएं कि मान लो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में वो किस तरीके से थोड़ा कोऑपरेट जो है उन अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। सेम आप बताना कि मैथ्स वगैरह में भी आप बता दें, ठीक है। और बेशक मैं चाहूंगा कि सर आप टीचर्स को भी शेयर करें, ठीक है। हाँ, जो जो जिन जिन टीचर से आप पढ़े हो, या फिर आपको लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कौन से वो अच्छे टीचर्स हैं जिनको स्टूडेंट यदि फॉलो करते हैं तो उनका भी फायदा हो सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली इस वीडियो का पर्पस बेशक ये नहीं है कि जो है मेरे बारे में या इंग्लिश के बारे में बात बताई जाए, हमारा मेन टारगेट है स्टूडेंट्स का बेनिफिट मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मैथ्स के बारे में भी बताएं, किन टीचर से आप पढ़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जीएस को आपने किस तरीके से तैयार किया, रीजनिंग में और जो है सभी सब्जेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स पहले से ही उसके बारे में तैयार रहे और वो दिक्कतें इनके साथ ना आए। सर तो मैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में ही बताता हूँ। देखिए इंग्लिश जो है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है किसी भी एग्जाम की, अगर सीजीएल की एग्जाम की ही बात करें, तो मुख्यतः 3 चीज़ों पर आधारित है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो आपको तीनों पोर्शन ही तैयार कराएगी, क्योंकि वोकैब पे ही बेस्ड ग्रामर है, वोकैब पे ही बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो आप डेली का 15-20 वोकैब तैयार करते रहिए, 5-7 हज़ार वोकैब आपको तैयार करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और सर कराते ही रहते हैं रेगुलर, आप ये ना सोचिए कि हम 2 महीने 3 महीने 1 महीने में वोकैब तैयार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी वास्ट है, 5-7 हज़ार भी कम नहीं होता। तो आपको रोज़ वो कैब तैयार करनी है, हर एग्ज़ाम में हर जगह काम आएगा, इंग्लिश आपको आएगी सबसे ज़रूरी, ये बात है। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर जो अभी तक आपने पढ़ा है 10th तक 12th तक, उससे काफ़ी हटके होता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का ग्रामर, तो आपको इसके लिए इसको सीखना ही पड़ेगा। हम भी जब आए थे नए नए, तो हमको लगता था कि नहीं, ये जो हम पढ़ के आए हैं इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल ही नंबर नहीं आते थे, 12-15 नंबर 50 में से आते थे। फिर सुनील सर इलाहाबाद में आए, ये हमारे सौभाग्य की बात रही हमारे लिए कि ये वहाँ से मिली। फिर इन्होंने ग्रामर टीच करा हमको, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी लाजवाब होते थे, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई डाउट बने और वो उनके कॉन्सेप्ट से दूर ना, कॉन्सेप्ट ही ऐसे थे कि ऐसा नहीं है कि रूल होता है, रूल कुछ नहीं होता है भाई, सारी चीज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ रूल बना है तो आखिर क्यों बना है। कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो रूल के पीछे आपको भागना ही नहीं है, रूल तो आप खुद बना लोगे, कॉन्सेप्ट से ही रूल बने हुए हैं, ये नहीं कि आप रूल याद करते रहो, रूल से कुछ नहीं होता है आजकल के ज़माने में, आपको वो कॉन्सेप्ट सीखने ही होंगे। और हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, जैसे मान लो आपने नाउन चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर के सवाल करने हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल के लिए मैं बता देता हूँ, एक अजय कुमार सिंह की बुक आती है करेक्टिव ग्रामर करके, उसमें एसएससी के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बैंकिंग के, यूपीएससी के, एनडीए के, सीडीएस के, सारे एग्जाम्स के चैप्टर दे रखे हैं, काफ़ी बल्क में क्वेश्चन हैं उसमें, आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने को उसमें से मिल जाएंगे। आप उस बुक को रेफर कर रहा हूँ मैं आपको, उसको जरूर पढ़िएगा, सारे चैप्टर लगभग उसमें दिए गए हैं। प्लस सर आपको कराते ही रहते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, रोज के रोज डेली ये आपको क्वेश्चंस कराते ही रहते हैं। आप वो वीडियो जरूर देखा करें, वो प्रीवियस ईयर ही हैं और सर ने अपने एक्सपीरियंस में लगभग 15-16 सालों का इनका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है कि आए और बनाने लग गए, नहीं, वो उसके पीछे काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने।
तब जाके वो क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप जरूर से वॉच करिए। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ और ये हमको कुछ पैसे वगैरह दे दिए तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ये वाकई में जेन्युइन बात है। मैं तो बस एक लिस्ट में नाम जुड़ा हूँ, मेरे से पहले पता नहीं सौ सैकड़ों लोग जा चुके हैं आगे इन्हीं से पढ़ करके। एक बैच बना था इलाहाबाद में, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 150 बैच थे पहला जब बैच बना था वहाँ पे जो कोचिंग थी इलाहाबाद में। 75 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उस बच्चे में से, उस बैच में से लगभग 50% बच्चे एक बैच में सेलेक्ट होना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप बस सोचते रहिए, सोचिए आप किस तरीके से इन्होंने पढ़ाया होगा इंग्लिश में, मेन रोल उसमें इंग्लिश का रहा था जब इन्होंने उस समय पढ़ाया था। तो ये चीज़ें हैं, आप ग्रामर पढ़िए, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज सवाल लगाते रहिए, और जब आपके सारे चैप्टर के सवाल लग जाएं, एक ही दिन में तो 250-250 एरर्स के सवाल बन नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, फिर हर चैप्टर से 20-20 सवाल, 25-25 सवाल करके आप ऐसे लगाते रहिए। जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए, एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट हो ना जाए, ये ना सोचिए कि आपने ये चैप्टर तैयार कर लिया तो बस सवाल लगे ले, अब जब एग्जाम होगा तो हम लगाएंगे, नहीं, सब भूल जाएगा भाई। आपको तब तक उसको पढ़ते रहना है जब तक आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर लिया है। और देखिए, तब तक अगर आप ऐसे पढ़ते हैं आपकी अच्छी रैंक भी बनेगी, बहुत अच्छी रैंक बनेगी आपकी अगर आप ऐसे लगातार पढ़ते रह रहे हैं। ऐसे ही अगर मैथ के बारे में बात करें, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं पहले इंग्लिश की, ग्रामर और वो कैप्ट हो गए। कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन एक प्रत्येक व्यक्ति का स्किल होता है कि उसने कितनी रीडिंग कर रखी है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन की है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो आपको इंग्लिश की किताबें, आप एकेडमिक में पढ़े ही होंगे, भले हिंदी मीडियम से किताबें तो होती है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप पेपर पढ़ना चालू करो इंग्लिश के, 10 मिनट ही पढ़ो, 20 मिनट ही पढ़ो, आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन रीडिंग करो, बिना रीडिंग के कुछ नहीं होने वाला। रीडिंग करोगे तभी आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में भी आएगा, तभी आप क्लोज टेस्ट भी लगा पाओगे, क्योंकि तभी तो आपका दिमाग चारों ओर दौड़ेगा कि चीज़ें चल कैसी रही हैं। अब आपको आदत ही नहीं रहेगा, आप मेंस में गए, क्या नाम है कि मेंस का टेस्ट देने एग्जाम में, आप पढ़ रहे हैं सिर दर्द होने लगा, सिर दर्द होगा, आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें चल कैसे रही हैं। इतना आसान भी नहीं होता है इंग्लिश। आपको लगता है कि आज के ज़माने में इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है जब से TCS आया है, तो डाउन होने का ये अर्थ थोड़ी ना है कि आप पहले तो 160-170 पे सिलेक्शन हो जाता था 200 में से, तो अब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, 180-185-190 से पार जाना पड़ेगा आपको। लोग ला रहे हैं और आपको भी लगातार मेहनत करके लाना पड़ेगा, तो आपको ऐसे इंग्लिश पढ़नी है। और साथ के साथ जब तक आपका प्री का एग्जाम ना हो जाए आप मॉक्स देते रहिए, मेंस का एग्जाम ना हो जाए मेंस का वीक में कम से कम 3-4 मॉक दीजिए इंग्लिश का, और ठीक है, तो बिना मॉक के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स का भी सेम ही सीन है, प्रीवियस ईयर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले आप देखिए, दो पोर्शन होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। तो आप अरिथमेटिक में जो चैप्टर्स हैं एडवांस, किसी को अरिथमेटिक में दिक्कत होती है, किसी को एडवांस में दिक्कत होती है, पहले तो आप ये सोचिए कि आप दिक्कत फंस कहाँ पे रही है, और दिक्कत फंस रही है तो ये ना छोड़िए, ये ना सोचिए कि हम इसको छोड़ दें बाकी चैप्टर्स लगा लें, नहीं। आज के ज़माने का कॉम्पिटिशन ऐसा है कि आपको 700 में से 650 का टारगेट तो करना ही पड़ेगा, भले ही नॉर्मलाइजेशन हो रहा है लेकिन टारगेट तो करना ही पड़ेगा। फ्री में 200 में से 200 टारगेट करिए, मेंस में 400 में से कम 370-375 प्लस तो टारगेट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप मैथ के लिए पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को उसके लिए आप कॉन्सेप्ट तैयार करिए। जैसे कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं ये तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं कर पाते हैं तो जो अच्छे टीचर्स को ढूंढिए आपके लिए, जो अच्छे टीचर्स हों। मैंने तो अभिनय शर्मा सर से पढ़ा हुआ था मैथ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। 90% मैथ मैंने उनसे पढ़ा था, और लगभग बाकी मैथ्स मैंने पवन राव सर से भी पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। बाकी राकेश यादव सर के नोट्स हैं, आभास सैनी के शॉर्ट वीडियोस हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, फिर क्या नाम है कि एक ही दिन में आप एक चैप्टर को लेकर के पूरा सवाल सॉल्व करने मत बैठ जाइए, आप हर चैप्टर के 15-15 सवाल लगाइए, 10 चैप्टर पकड़िए, 150 सवाल एक दिन में लगाइए ही लगाइए, जब तक आप 3-4 बार पूरा रिपीट नहीं कर जाते सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस ही 5-6 बार, 3-4 बार तो रिपीट करना ही है, रिपीट नहीं करेंगे तो वो जो क्या नाम है सवालों का टाइप है वो दिमाग में बैठेगा ही नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेने से, एक बार कॉन्सेप्ट लगा लेने से, एक बार किताब खत्म करने से कुछ नहीं होता है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला भाई कर रहा है, अगला बंदा कर रहा है, 5-5, 6-6 बार करके बैठा है, उसके मॉक्स में 180 नंबर आ रहे हैं फिर भी दे रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी तोड़ने से, परसेवरेंस तोड़ने से
जो है आपको सवाल भूलते हैं, ये कंपटीशन का जमाना है, आप 10 दिन छोड़ के आप घर जाइए ना, आपको सारी चीजें भूल जाएंगी। आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है, कम से कम आप घर जाइए, कम से कम आप समाज से इंटरेक्शन करिए, क्योंकि आप ऐसे डिस्टर्ब होते रहेंगे, आपकी रूटीन बन नहीं पाएगी। देखिए यूपीएससी हो चाहे एसएससी, रूटीन मैटर करता है, आपकी रूटीन तगड़ी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहनी चाहिए, आपको चीजें अपने आप आने लगेगी। मैं जब सर के पास पढ़ता था तो अपने मुंह से बता रहा हूँ और जरूरी है बताना, 6 महीने की कोचिंग में 1 दिन मात्र मैं एबसेंट रहा था, वो भी तबीयत खराब होने की वजह से, तभी कॉन्सेप्ट तैयार भी हो पाए थे। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि अरे छोड़ दो ये चैप्टर, छोड़ दो आज की क्लास, ऐसे नहीं, आप छोड़ेंगे तो अगला बंदा कर रहा है भाई, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट तैयार करिए, हर सवालों को, हर चैप्टर के सवाल को करिए, एक चैप्टर के सवाल को 1 दिन में ना करिए, मॉक्स देते रहिए, जब तक प्री नहीं हो जाता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक प्री नहीं हो जाता प्री का मॉक्स देते रहिए। और उसको मॉक्स देने के बाद, देखिए मॉक्स देने के बाद नंबर कितने आ गए इस पर आपको रोना नहीं है कि मेरे कम आ गए, और हंसना नहीं है कि मेरे ज़्यादा आ गए। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी एनालिसिस करनी है, जो नहीं आ रहे हैं उसकी भी एनालिसिस करनी है, जो आ रहे हैं उनको देखना है कि मैं इसको और जल्दी कैसे तक कर सकता हूँ, क्या तरीके मेरे पास हो सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी इसको कर सकता हूँ, और जो नहीं आ रहे हैं उसको सीखना है। जो क्वेश्चंस बार बार आपको परेशान कर रहे हैं उसका अलग से नोट्स बनाना है, उसको बराबर देखते रहिए, क्यों ऐसे तो सही रहेगा ना। जो क्वेश्चंस बार बार परेशान कर रहे हैं उसका आप नोट्स बनाइए, तब आप परेशान नहीं होंगे, आप उसको डेली देखते रहिए। वो कैप जो इंग्लिश में नहीं याद हो रही है, एक छोटी सी डायरी बनाइए, मैं डायरी बनाया करता था, उसमें आप वो जो नहीं याद हो रहे हैं वो कैप उसको नोट डाउन करते जाइए, उसको बराबर देखते रहिए। ऐसे जैसे तपस्या करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल जैसे आप इस जमाने में कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी का भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको एकदम पूरी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या माने क्या, 8 महीने 9 महीने 10 महीने पूरी कंटिन्यूटी बना करके तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, और एक साथ 4-4, 5-5 एग्जाम निकलेंगे। और आप मॉक देना न छोड़िए जब तक आपके सारे एग्जाम होने जाते हैं। मेंस के लिए ऐसे ही वीक में कम से कम 3 इंग्लिश 3 मैथ्स 4 इंग्लिश 4 मैथ्स ऐसे मॉक देते रहिए, और सबका विधिवत एनालिसिस कीजिए। और जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे अपने आप को कि जो सवाल आपको आ रहे हैं उसको और कैसे इजी तरीके से हम लगा सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसके लिए सरल तरीका क्या हो सकता है, तमाम वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन उसमें यानी खो नहीं जाना है, बहुत वीडियोस पड़ी हैं उसके चक्कर में ये नहीं कि आप खो जाएं, अच्छे टीचर्स पकड़िए, और जो सवाल मतलब कि एक ही कॉन्सेप्ट से जैसे सारे सवाल बन जाएं ईजिली, उसको आप पकड़िए। जैसे आभास सैनी सर हैं, वो काफ़ी अच्छा एक निचोड़ वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी अच्छा उसमें वो बता देते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे आप देखिए अच्छे टीचर्स हैं जो, उनके सवाल देखिए और मॉक देते रहिए, यही बस मैथ की स्ट्रेटजी होगी। तो ये सभी बातें आपने सर से सुनी, इंग्लिश के बारे में उन्होंने बताया किस तरीके से वोकैबुलरी को साथ के साथ लेके चले। कभी भी ऐसा कभी नहीं होता कि जो है आप एग्जाम के 2-3 महीने पहले यदि आप आपको लगता है कि वोकैबुलरी आपकी बन जाएगी, आप काम कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वोकैबुलरी को साथ के साथ रखें ग्रामेटिकल पार्ट के, और साथ के साथ रीडिंग पे अपना फोकस ज्यादा करें, क्योंकि अभी मेंस होगा, ठीक है, 2021 का अभी मेंस होगा, तो कभी भी ये ना सोचे कि जो है एग्जाम के पहले वोकैबुलरी पढ़ लोगे, अभी से उसको साथ में लेके चलो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग, कोई नोवेल, कोई मैगजीन, जैसा सर ने बताया बिल्कुल सही बात है, वो साथ के साथ रीडिंग पे अपना ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेंस में जो पार्ट आता है वो काफी बड़ा सेगमेंट बनता है कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस फिलर से, कॉम्प्रिहेंशन से, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, PQRS एक बड़ा सेगमेंट बनता है, तो उस पे अपना फोकस करें। सर ने जैसा कि बताया मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स सर ने पढ़ाया, ज्यादातर अभिनय सर से पढ़ा है, ठीक है। कुछ मैथ्स के कुछ पार्ट इन्होंने पवन राव सर, जो मदर्स कोचिंग में पढ़ाते हैं, जयपुर से हैं, उनसे पढ़ा है, बहुत शानदार टीचर वो भी हैं, ठीक है। तो इन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी अब हम जाएंगे जीएस के बारे में, थोड़ा सा जीएस के बारे में भी इनको बताया जाए। और क्योंकि जैसा कि मैं जान रहा हूं, यदि आप जो है ईस्टर्न यूपी में जाओगे या बिहार में जाओगे, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मतलब आईएएस यहां से निकलते थे, सबसे ज्यादा आईएएस कहीं से आए थे हैं, तो वो या तो ईस्टर्न यूपी से आपके आते थे पहले, ठीक है, या आते थे बिहार से। तो ये लोग जो होते हैं ना भाई, ये जीएस को तो मतलब रटते हैं तगड़े तरीके से, ठीक है, और इनकी अच्छी कमांड होती है। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स, मैं दिल्ली के क्राउड की मैं बात करूं, तो दिल्ली का और हरियाणा और जो है ये जो क्राउड होता है, ये जीएस पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं होती, और आजकल जीएस बहुत परेशान कर रही है, राइट, हाँ, जीएस बहुत परेशान कर रहा है, तो उस पे भी फोकस किया जाए,
ठीक है, हर इंडिविजुअल जो है सेक्टर को आप देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस के जो सब्जेक्ट्स आपके आते हैं सभी पे फोकस आप करते रहें। बाकी सर से जानेंगे कि जीएस को आप किस तरीके से तैयार करें। ठीक है, तो जीएस के स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है जीएस का, तो मुख्यतः इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ही आते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको डेली देखना है, डेली उसके नोट्स बनाने हैं, लगभग एक से डेढ़ घंटा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे देने ही हैं। साथ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस में बायोलॉजी, इसको सबसे पहले तैयार करना है, बार बार तैयार करना है, बार बार इसको रिवाइज करते रहना है। यही मुख्य चीज़ें हैं जीएस के लिए। और जीएस देखिए, जो अड्डा 247 ऐप एक आता है उस पर आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएंगे। मैंने वहीं से पढ़ा हुआ था, उस पर आप क्विजेज भी मिल जाते हैं, क्विज भी मिल जाता है, आप उसको पढ़िए। फिर एक जो ग्रेडअप का ऐप है जिसको अभी बायजूस ने खरीद लिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जैसे जो शुभम जैन सर हैं और आभास सैनी सर हैं, ये दोनों लोग जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो ये लोग पीडीएफ बना बना के स्टैटिक जीके के और जो करंट अफेयर हैं उसका डालते रहते हैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी एक्यूरेट होता है, काफ़ी वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुभम जैन सर को आप जरूर से जरूर फॉलो करें, आभास सैनी को भी देखें आप, काफ़ी मतलब आज के टाइम पर काफ़ी अच्छा है उन लोगों का, काफ़ी अच्छा चलता है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, जीएस के लिए ये रहा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो चार पांच चैप्टर हैं उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दो चार भी नंबर छोड़ नहीं सकते। जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, रैंकिंग है, सिलॉगिज्म है और डाइस है। ये पांच चैप्टर आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। पीयूष वार्ष्णेय सर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने इसको करा रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और बाकी आप मॉक देते रहेंगे, आपको सारा सब कुछ आता रहेगा, बस रीजनिंग के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन मॉक नहीं छोड़ना है, मॉक से ही आपको रीजनिंग आएगी, बस प्रीवियस ईयर मन करे तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो सब आप लोगों ने जाना। और ये वो स्टूडेंट है, यू वॉन्ट बिलीव कि जो है, मैंने हमेशा एक चीज देखी है आपको, थोड़ा सा एक मैं बहुत प्यारी सी बात बताने वाला हूँ। क्या कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, कभी फील किया कि कोई पेड़ होता है, राइट, कोई पौधा है। अब किसी पौधे पे या पेड़ पे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि किसी पेड़ पे जो है फल लगा हुआ है और किसी पेड़ पे फल नहीं लगा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ है तो फल देना उसका धर्म है? ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी पेड़ पे जो फल लगते हैं, बेशक जो कोई भी पेड़ है तो काफी सारे न्यूट्रिशंस जो उसको चाहिए होते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशन का पार्ट ऐसा होता है जो उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, उसको उसके पत्ते आएंगे, टहनी आएंगी, इस चीज के लिए पेड़ को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। लेकिन जब किसी पेड़ के अंदर न्यूट्रिशन एबंडेंस में हो जाता है, प्रचुरता में हो जाता है, तो अधिक जो अतिरिक्त जो न्यूट्रिशन होता है वो रिजल्ट के तौर पे क्या बनता है, फल बनता है, फूल बनते हैं, कोहर वगैरह आता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। कोई आदमी सिलेक्शन कब लेता है? सिलेक्शन तभी होगा जब आपके अंदर नॉलेज एबंडेंस में हो जाएगी। आपने इतना पढ़ लिया कि जो एक मार्क है कि इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप जब उससे पार कर जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और योगेश तिवारी ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो जब पहले दिन जब मिला था तो इसकी पोलाइटनेस, इसका जो सॉफ्टनेस थी ना, आज भी वही है सिलेक्शन होने के बाद, इंस्पेक्टर बनने के बाद। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे दोस्त कि आप हमेशा पोलाइट रहो। ठीक है, आप हमेशा अफेक्टिवनेटली बात करें। ठीक है, और तभी मुझे लगता है, मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा, कोई सफल हुआ ऐसा इंसान नहीं देखा जो है बहुत लवेबल ना हो, जो बहुत प्यार से बात ना करता हो, पोलाइटनेस जिसके अंदर ना हो। तो हमेशा पोलाइट रहें, दुनिया में बुरे बहुत हैं, अच्छे बनो, मेरा आप लोगों के लिए यही मैसेज है। ठीक है, जैसे सर हैं और भी मेरे जितने स्टूडेंट हैं, ये इतने प्यारे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, कि ये मतलब इनकी झूठ निकल ही नहीं सकती। आपके साथ भी जो बातें शेयर की इन्होंने, बिल्कुल वो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वही शेयर की, कुछ भी इधर उधर से बना के ये वो बातें कभी इनसे हो ही नहीं सकती। तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करें। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं, सर का एसएससी सीजीएल 2019 में ऑल इंडिया रैंक है 542। ठीक है, और एक्साइज का रैंक है 174। एक्साइज इंस्पेक्टर जो बने हैं ऑल इंडिया एक्साइज में, इनका रैंक 174 है दोस्तों। तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई थी, इसी तरीके से हम और वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम जरूर कनेक्ट करेंगे ताकि आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, हमारी एक एप्लीकेशन है अचीवर्स गुरुकुल। ठीक है, इंग्लिश के यदि आप मॉक चाहते हैं तो अचीवर्स गुरुकुल करके ये जो एप्लीकेशन है
आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा कि इस पे हर संडे को मॉक होता है, इंग्लिश का मॉक होता है, 50 क्वेश्चंस का मॉक होता है, और ये इतने शानदार डिजाइन मॉक है, ठीक है। योगेश सर ने भी ये मॉक दे रखे हैं, और इनका जब भी मॉक देते थे मेरी कोचिंग में ये, तो फर्स्ट रैंक आता था इनका हमेशा, सबसे ज्यादा मार्क्स ये लेता था स्टूडेंट उस बैच के अंदर, ठीक है, या फिर उस टाइम पे जितने भी स्टूडेंट होते थे सबसे ज्यादा नंबर इनके आते थे इंग्लिश में, ठीक है। तो बहुत प्यारे मॉक डिजाइन किए हुए हैं, बहुत इजी नहीं है, अच्छे लेवल के मॉक हैं, बिल्कुल फ्री में आपको अचीवर्स गुरुकुल पे ये मॉक, कोई पैसा इंग्लिश में आपको नहीं लगाना पड़ सकता है। बाकी और सब्जेक्ट आप इधर उधर जहां से सर ने बताया उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए, हमारा मेन टारगेट यही है। इस वीडियो को बनाने का भी मेन टारगेट जो है यही रहा है कि आपको एक जो है तरीका पता चले, एक रास्ता पता चले, ठीक है। हमेशा जान लेना कि टीचर्स का किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन के पीछे, मैं मानता हूं कि सिर्फ एक या दो चार पांच परसेंट क्रेडिट रहते हैं, हालांकि स्टूडेंट तो हमेशा ज्यादा क्रेडिट देता है, ठीक है, स्टूडेंट हमेशा ज्यादा क्रेडिट देता है, बट इन रियल जो है ऐसा है नहीं, 4-5% मैं मानता हूं 4-5% ही रोल रहता है टीचर का, और वो रोल रहता है उसको एक सही डायरेक्शन देने में। एक बार स्टूडेंट को सही डायरेक्शन मिल जाए तो उसके अंदर इतना पैशन है, वो इतना मेहनत कर सकता है कि वो सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो यही इस 2-4% का जो रोल रहता है इंग्लिश में जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ दोस्तों। तो यही सब, और जो है बेस्ट विशेस सर आपको, ठीक है, और इंस्पेक्टर बन के बहुत नाम कमाए, पैसा तो आ ही जाएगा, ठीक है, नाम कमाए, हाँ पैसा तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो लाइन लगेगी जो है, और जो है बहुत अच्छे से रहे, अच्छे बने, ठीक है, और हमेशा मेहनत करते रहो, मोटिवेट करते रहो, आपके मोटिवेशन की आपके छोटों को बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो उनके साथ कनेक्टेड रहें, मैं तो यही चाहूंगा, ठीक है। कोई आगे चल के और भी कुछ चैनल वगैरह यूट्यूब वगैरह आप कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए जरूर करते रहें। लास्ट में कुछ आप भी कहना चाहें स्टूडेंट्स के लिए। जी सर, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी सिलेक्शन के टाइम पे, एक मेरे दोस्त थे उन्होंने उसको यूट्यूब पे डाला हुआ था, उसके बाद फेसबुक से एस्पायरेंट्स ने नंबर निकाला और फोन करने लगे, कुछ तो उसमें से बहुत ही डिजेक्टेड थे सर, मतलब एकदम रो रहे थे, बलिया जिला से फोन आ रहा है, कोई बिहार से फोन कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले थे कि यार SSC CGL ऐसा तो नहीं कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही बना है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि देखो टेंथ तक तो मैंने मैथ पढ़ी ही नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप देखो सही लोगों को चुनो, सही टीचर्स को चुनो, सही रास्ते पे जाओ, कुछ मुश्किल नहीं है, टेंथ तक का तो सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है, तो आप क्या करिए कि इधर उधर चीजों में ना भटकिए, देखिए सही रास्ता चुनिए। और ये जो अचीवर्स गुरुकुल ऐप है इसमें जो टेस्ट आते हैं, मैंने बहुत दिया हुआ है सुनील सर के बनाए हुए टेस्ट, बहुत ये नहीं कहूँगा कि मतलब नंबर्स आ जाते थे तो बहुत ईजी थे, नहीं, बहुत हार्ड हुआ करते थे, बहुत मेहनत लगती थी उसके पीछे। तो आप क्या नाम है कि सही गाइडेंस लेकर के सही गाइडेंस लेकर के और सही टीचर से पढ़िए, और कभी भी ऐसा फील ना करिए कि ये स्पेशल लोगों के लिए बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप सोचना छोड़ दीजिए कि ऐसा कुछ है, कई जगह से लोग सर फोन करते थे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, उन टेस्ट मॉक के बारे में मैं बात करूँ तो सेल्फ डिजाइन मॉक है सबसे पहली बात, तो ठीक है, मेरे खुद के डिजाइन किए हुए मॉक है, और लेवल ये है कि अच्छा स्टूडेंट 40 मार्क्स 42 43 ठीक है 38 39, आप सर से पूछ सकते हो, इन्होंने वो मॉक दे रखे हैं, इतने मार्क्स बनते हैं, मतलब एक लेवल फेस करना पड़ेगा आप लोगों को, और ये टॉप पे होते थे। हाँ सर, जैसा नंबर की बात चली तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बात करना चाहे तो बेशक वो आपसे बात कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अपना नंबर आप बता दें, ठीक है, 8299469613 ये सर का नंबर है, योगेश तिवारी, राइट, और इस पे आप कॉल करके यदि आपको जो है थोड़ा बहुत डायरेक्शन चाहिए तो सर आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर पता चल गया, ठीक है, ज्यादा डिस्टर्ब करना मत भाई, अब ये जो है अलग तरीके से, मतलब जो है इंस्पेक्टर हो गए हैं, ठीक है, अब ज्यादा आप डिस्टर्बेंस नहीं झेलेंगे, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी करते रहें, और कुछ सर, ठीक है, ओके, तो मेहनत करते रहो भाई, और ये जो आज मिठाई आई है मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट जो है, जो मेरे स्टूडेंट है, वो बाकी के जो स्टूडेंट है, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस या बैंकिंग की, तो आप भी आए, आप भी जुड़े, और जो है हमें जो है बताएं कि जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो
और भी बाकी जो इस तरीके की वीडियोस हैं वो मैं साथ के साथ लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। बने रहें, जुड़े रहें अचीवर्स गुरुकुल के साथ। यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, टेलीग्राम सभी इस नाम से है, और नाम रोशन करें जैसा कि योगेश तिवारी ने किया है। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू डियर, और टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।